पापा मुझे डॉगी की पूंछ बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी चाहिए ऐसी पूंछ। भगवान ने जानवरों को पूंछ दी है, इंसानों को पूंछ की जरूरत ही नहीं। पापा लगवा दो ना भाई की पूंछ, बड़ा मजा आएगा जब वो डॉगी की तरह अपनी पूंछ नीचे करेगा। तो हम अपनी पूंछ स्वयं नहीं उगा सकते, ऐसा संभव नहीं है। मैंने देखा है गिलहरी को जब पेड़ से ऊपर नीचे कूदती है तब इसकी पूंछ ऊपर नीचे खूब हिलती है, बड़ी अच्छी लगती है पापा पूंछ। भाई ठीक रहेगा अगर तेरी पूंछ लग जाए तो, कितना बढ़िया रहेगा, सच्ची बड़ा मजा आएगा। हिरन की पूंछ भी बड़ी छोटी सी सुंदर सी होती, मुझे तो उसकी पूंछ भी चलेगी। भाई भगवान से बंदर जी की पूंछ मांगे, अच्छा रहेगा, तू फिर पेड़ों पर इधर उधर चढ़ भी सकेगा, कूद भी सकेगा बंदर की तरह। पिंकी बंदर से बेहतर तो लंगूर की पूंछ है, तू जानती है क्यों? क्योंकि वो अपनी पूंछ से दूसरों की पिटाई भी कर सकता है, और वो चाहे तो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर वापस आ सकता है, केवल अपनी पूंछ की वजह से। भाई मेरा ख्याल है कंगारू की पूंछ भी कुछ कम नहीं होती, वह अपनी पूंछ की वजह से हर जगह कुर्सी की तरह बैठ सकता है, तुझे भी बड़ी आसानी रहेगी कंगारू जैसी पूंछ लगाकर। देखो अबीर कुछ भी कर लो तुम्हारी पूंछ तो उग नहीं सकती, भगवान भी नहीं उगा सकता तुम्हारी पूंछ। बेटा अबीर कुछ जानवरों की पूंछ तो सिर्फ मक्खियां उड़ाने के काम आती है, गधा घोड़ा जेब्रा गाय, इनकी पूंछ किसी काम नहीं आती। फिर पूंछ क्यों चाहिए तुम्हें बताओ जरा। पिंकी अगर मेरी पूंछ इन छोटे पक्षियों की तरह छोटे पंखों वाली हो तो हो सकता है मैं हवा में उड़ सकूं। क्यों पिंकी ठीक कहा ना? भाई मोर की पूंछ बहुत सुंदर होती, नाचते समय वो अपने पंख फैलाकर सबको खुश कर देता है। दोस्त पिंकी ठीक कह रही है, मोर की पूंछ वाकई बहुत सुंदर होती है, पर हाँ तू भगवान से कह देना कि तुझे बिच्छू जैसी पूंछ हरगिज न दे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी बिच्छू की पूंछ पसंद नहीं है, उसकी तरह किसी को डंक मार कर तकलीफ देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो छोड़ो सब पूंछ की बातें करना छोड़ो, हम मछलियों का तैरना देखते हैं जो पूंछ की सहायता से इधर उधर तैर रही हैं, ठीक है? हाँ, 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 हाँ,